हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप लोगों के लिए ऑनलाइन अर्निंग की रियल एंड पेड साइड की वीडियो अपलोड करता हूं, जिसके अंदर लाइव काम करके दिखाता हूं किस तरह अर्निंग पॉसिबल है, ताकि आप तमाम लोग भी अर्निंग कर सकें। फ्रेंड्स, आज की रिक्वेस्ट पूरी करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि इस लाल बटन पर दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मेथड मजीद बनाता रहूँ और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके अलावा पिछली तमाम वीडियो देखने के लिए आप माई वेबसाइट पर जाएं, 180 प्लस वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं, जिससे आप लोग अर्न कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की रिक्वेस्ट के ऊपर। आज की रिक्वेस्ट जो मैं पूरी करने जा रहा हूँ वो है रिपर्स के ऊपर। तो हम देखेंगे हमने किस तरह से अर्न करना है। तो पहले रिपर्स का रेट देखेंगे, फिर आपको लाइव करके दिखाऊंगा किस तरह अर्न करना है। ये लो बैलेंस है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, उनके साथ कैसे अर्न करना है यही मैंने आज आपको सिखाना है। आज रिपर्स का रेट है 0.18878 डॉलर। ये अप एंड डाउन चलती रहती है, ठीक है। एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर में बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, तो आप उन्हें उसको माइंड में रखना है और उस तक कैसा काम करना है, ये चीज मैंने आज आपको दिखानी है। तो चलते हैं मेथड की तरफ। जी फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोगों ने ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद डिपॉजिट के बटन पर क्लिक करें। ये बिगनर्स के लिए भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है, फिर आपने यहाँ से डेस्टिनेशन टैग को कॉपी करना है, यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लें, अपनी वॉलेट में जाएं, अमाउंट को सेंड करें, 10 मिनट के अंदर अंदर आपके अमाउंट इसमें डिपॉजिट हो जाएगी। अब मेथड, ये लो बैलेंस है क्योंकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी मिनिमम बैलेंस से अर्न करने की, तो मैं आपको बताऊंगा आपने मिनिमम से किस तरह अर्न करना है, अगेन एंड अगेन और बाय पार्ट्स, ठीक है। अभी हम यहाँ रख रहे हैं 20, ठीक है। आप 5-5 रख कर भी कर सकते हैं, ठीक है, 10-10 भी रख कर, ठीक है, क्योंकि बैलेंस मिनिमम बैलेंस है, आपको बता रहा हूँ किस तरह करना है। आपने यहाँ देखना है पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है लॉस है, और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लाइव आपके सामने करूंगा, हर कोई कर सकता है, ठीक है। मिनिमम बैलेंस के साथ करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग अर्न करना शुरू कर दें, ठीक है। अमाउंट को सेल नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, उस अमाउंट से डेली अर्न करें, उसे होल्ड करें, और आप देखेंगे जब आपका अप ट्रेंड आएगा तो आप देखेंगे आपका जो प्रॉफिट है वो 2x 3x पहुंच जाएगा, ठीक है। अमाउंट को कभी सेल नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि आपने उस अमाउंट को होल्ड करने उसे अर्न करते रहें, ताकि आपका जो है डेली का भी प्रॉफिट होता रहेगा और फ्यूचर का अप ट्रेंड भी आपको करेगा। कभी आपने सेल करके लॉस नहीं करना, ठीक है। लाइव आपके सामने करने जा रहा हूँ ताकि आपको एक चीज पता चल सके। और जो स्टॉप ऑफ प्रॉफिट है इसको आप 5-5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 15 भी, 20 भी, ठीक है। मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए मैंने आपको 20 रख दिया है, ठीक है। देख सकते हैं आपके सामने लाइव हो रहा है, ठीक है, और आप लोगों ने इसी तरह करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आज मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करने जा रहा हूँ, लो बैलेंस तक किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और हर कोई कर सकता है, ठीक है। अगर आपके पास जितना ज्यादा अमाउंट है उतना अच्छा है, लेकिन मैंने लो बैलेंस के साथ किया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है, 200-300 की, तो मैंने 120 के साथ करने की है कि आपको बताऊंगे किस तरह काम किया जा सकता है। लाइव आप देख सकते हैं, वीडियो को जरूर एक बार दो बार गौर से सुना भी करें और देखा भी करें, ठीक है, ताकि आपकी तमाम बातें जो है वो आपके डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। स्किप कर देते वीडियो, बहुत सी बातें मिस हो जाती हैं। देख सकते हैं लाइव आपके सामने हो रहा है, और देखिए स्टॉप एंड प्रॉफिट रेट, सो वी हैव स्टॉपेज ऑटोमेट, क्योंकि हमने 20 लगाया था, ठीक है,
और जैसे ही 21 गया और आप देख सकते हैं यह ऑटोमेटिकली 21.25 पर ऑटोमेटिकली जाकर रुक गया, ठीक है। फिर हमने जब भी आपका टारगेट अचीव हो जाए, चाहे आपका 5 है 10 है, आपने यहाँ से इसको करना है रीसेट, ठीक है, और आपने करनी है हिस्ट्री क्लीन। हिस्ट्री क्लीन के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि वो ऑप्शनल है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन है, लेकिन आपकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ब्राउजर की हिस्ट्री, और फ्रॉम दी ऑल्डर टाइम या बिगनिंग ऑफ द टाइम वाली, ठीक है। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैलेंस ऐड हो चुका हुआ है।